गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन वीडियो। पहला रिएक्शन वीडियो था, आप लोगों ने ट्रेंड कराया, इससे मिलता है मुझे मोटिवेशन और मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। बिग बॉस एक एक करके हम सारे कंटेस्टेंट के वायरल फुटेजेस पे रिएक्ट करने वाले हैं, सो लेट्स गो। एग्जैक्टली आज से 4 साल पहले 2019 की नवम्बर, मैं अभी इस वक्त पता है क्या कर रहा था, ऑफिस का काम खत्म करके ग्रैंड रोड स्टेशन भागते हुए जा रहा था। देखो अंधेरी में होता था, डीएन नगर में शो होता था फ्राइडे को ओपन माइक। इस वक्त ऑफिस का काम खत्म करके ग्रैंड रोड से ट्रेन पकड़ के अंधेरी जाता था, अंधेरी से मेट्रो पकड़ के डीएन। मुनव्वर फारूकी, गाइस ये बहुत मेहनती है और इसने बहुत मेहनत किया है, मगर ये जब अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रहा था तो मुझे भी मेरे दिन याद आ गए। मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेन पकड़ के भागता था, चीजें अपनी करता रहता था, उठाता रखता था। बट हाँ गाइस, अगर आज उसने इतनी मेहनत किया है तभी आज वो इस पोजीशनिंग पे है और ये सफलता पे है, तो ऑल द बेस्ट ब्रो तेरी जर्नी के लिए, तू बहुत अच्छा कर रहा है। मैं वहां पे जाके ये चीज बोला कि पिल्ले ने हमारे, ये बहुत वायरल फुटेज है, कुकिंग करना है, तो उसने सुन लिया। बट उसको पता है कि भाई चूरा, ये मास्टरमाइंड है मुन्ना, यहाँ पे दिमाग से काम किया इसने। इधर थोड़ा मुन्नोवर, मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा। खानदान को भी दिए तो दिए। अच्छा कर रहा है यार मुनव्वर, तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, तेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तू खानदान तक मत जा। बट हाँ गाइस, मुनव्वर बहुत मास्टरमाइंड है। देखो अगर उसको खाने का चोर पता करना था कि किसने खाने की चोरी किया है, तो उसने बोला किस डैश के डैश ने खाना चुराया है, मैं उसको बोल रहा हूँ, और जो था वो बाहर आ गया। थैंक्स टू अनुराग, अनुराग ने पूरी मेहनत किया अपने काम की डिलीवरी देते हुए, चोर बाहर आ गया। आगे बढ़ते हैं। शायरी लूल ये वो जो भी है, मुझे पता है मेरा आर्ट फॉर्म और बहुत रिस्पेक्ट है मुझे मेरा आर्ट फॉर्म की लिखाई की, कि मेरी कलम का वजन इतना है ना भाई, ठस जाएगा। और सुन जाएगा जो आंडू पांडू शो बोल रहा है ना, टीवी की स्टार जो है ना एकता मैम, उनका शो था वो, तमीज से पेश आना। मैं उनको टारगेट नहीं करा, मैं कोई पांडू शो नहीं बोला, नाम नहीं बोला भाई। सुन सही बात है यार, अरुण ने टारगेट नहीं किया था एकता मैम को, मुनव्वर ने स्मार्ट प्ले किया इधर पे, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है, उसका जो पॉइंट है और उसका जो पीओवी है वो भी गलत नहीं है। रही बात सॉरी और रही बोलने की, मेरी तरबियत है भाई कि मैं जिसके साथ उठता बैठता हूँ साथ में रहता हूँ, मैं उनसे झगड़ा करके दूसरे दिन भी उनके सामने कड़क होके घूम नहीं सकता, ये मेरी तरबियत है भाई। ये बात एकदम सही बोला इसने और यही चीज इसको शो में आगे भी ले जा रही है, क्योंकि अगर ये उठता बैठता है तो नेक्स्ट डे उन्हीं के साथ में चौड़ में घूमता भी है, क्योंकि उसका बॉन्ड वैसा है और वो अपनी पर्सनालिटी वैसी बना के रखा है घर में, इसलिए इतना चल रहा है गाइस। इंडिया का तो जो सबसे बड़ा मेरे को फट्टू बोल रहा है ना ब्रो, मोस्ट वांटेड इन द गेम है इनाम मेरे सर, ये जंगल में शिकारी ना, जंगल पूरा मेरा घर। अच्छा है गाइस, इसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मास्टरमाइंड है और बहुत अच्छा खेल रहा है। हम बढ़ते हैं अभी अनुराग पे, UK07 राइडर जिनसे मैं मिला था एक अवार्ड फंक्शन में। बंदा दिल का तो बहुत अच्छा है गाइस, मैं मिला था। बट अभी शो में अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें होती है। लेट्स गो एवरीवन, टारगेट अनुराग, दिस इज नॉट गुड। यार बहुत धक्कम दुक्की हो रही है, पूरा घर अगेंस्ट है। ये फुटेज देखने के बाद में मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप कभी लाइफ में जा रहे हो बिग बॉस, तो आपको ये याद रखना है कि आपको घर पे सबसे अच्छी बना के रखनी है। झगड़ा सब अपनी जगह है, सॉरी और बोल के वापस से सबसे अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लो यार, क्योंकि सब घर वाले अगर अगेंस्ट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस घर में सर्वाइव करना। बट हाँ, मुनव्वर आया था यार उसके लिए, ये अच्छी बात लगी मुझे। मेरी बहन को ट्रैक करेगा, चलिए बाबू भाई आपके लिए मैसेज आया। सच में यार, अनुराग का खेल बना दिया सब लोगों ने, खेल बन गया है, और सल्लू भाई ने भी खेल तो बना ही दिए। भाई ये यार, भाई अगर कुछ बोल दे तो सही, भाई बोले चांद वहां से आ रहा तो चांद वहां से आ रहा है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनुराग ने अपना खुद का खेल बना दिया है, खेल में जाके उसके साथ में लोग खेल रहे हैं, पता नहीं यार। बट जो भी हो, खेल तो रहा है बंदा अब जाके। फैंस ऑफ अनुराग वेयरिंग मास्क टू सपोर्ट हिम। यही होता है गाइस, फैंस
अपने आइडल को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। एक चीज नोटिस किया आपने, सभी ने जोकर मास्क पहना था। अब आप देखोगे आज के टाइम में अनुराग का इतना मीम बन रहा है, लोग इसके ऊपर जोकर का इतना सारा इमोजी लगा रहे हैं, बट उसके फैंस लोग को देखो आप, क्या बात है यार, वही जोकर का मास्क पहन के लोगों में खाना खिदमत कर रहे हैं। सो गाइस ये था अनुराग का वीडियो, बाबा का वीडियो, UK07 राइडर। बढ़ते हैं अब हम अरुण हैदराबादी पे। बाबा इनकी जो लैंग्वेज है हैदराबादी की मियां, मतलब एकदम खतरनाक, बोले तो एकदम रैपचिक। बढ़ते हैं अरुण भाई पे। बट द ब्रोमैंस बिटवीन देम इज ऑसम गाइस। गाइस अरुण और तहलका, ये दोनों अगर कहीं मिल जाए ना तो इन लोग खतरनाक है, बोले तो एकदम खतरनाक, एकदम रापचे। क्योंकि गाइस इन लोगों का जो बॉन्ड है ना वो नेक्स्ट लेवल है, और ऐसा बॉन्ड बिग बॉस में हमेशा देखने मिलता है। हर बार दो दो का बॉन्ड बनता है, जब मैंने अभी तक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी और का नहीं देखा, बट इन लोगों का देखा है ये सीजन में। अरुण बोले तो एकदम रापचे, वन लाइनर पंच खतरनाक, और तहलका थोड़ा बैकफुट पे खेलता है, बट दोस्ती बहुत अच्छी निभाता है गाइस। इसे कहते हैं बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड नेक्स्ट लेवल है। बच्चे को संभालना भाई, उनको भी क्या बोलेंगे मेरा भाभी इतना पर्सनल पर्सनल पर्सनल। माँ बहन बच्ची सब पे चले जाते हैं। बिग बॉस, बिग बॉस सच में एक मुक्का मारूंगा ना, यहाँ से पहुँचा दूंगा सपने से उठ जा। मैं जब मीटअप हुई थी रात में किसी के साथ गया था, और अगले दिन सुबह किसी के साथ बाहर निकला। मुझे नहीं पता कि मैं अगर बिग बॉस गया तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मेरी फैमिली तक कोई गया तो मुझे नहीं पता कि मेरा कैसा रिएक्शन आने वाला है। बट अभी से तो गुस्सा आ रहा है, बट सोच के ही गुस्सा आ रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कुछ ऐसा रूप बाहर आए। इसलिए गाइस मैं सोचता हूँ बिग बॉस जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आगे बढ़ते हैं। भारती, अरुण की वाइफ है। अरुण की वाइफ इंडियन नहीं है, अरुण की वाइफ फॉरेनर है, बट अरुण को देख के ऐसा लगता नहीं है कि किसी फॉरेनर से उसने शादी किया है। अरे रो रहा है यार। बिग बॉस का घर ही ऐसा है ना यार, इतना जकड़ जाते हैं ना लोग सच में, कि एक महीना हुआ है उसको जाके घर में, एक महीने में ही वो रोने लग गया। सही बात है यार, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना घर में रह रहे के। भारती भी रोने लगी, वाह भारती यार। अरुण की बेटी तो कितनी अच्छी है माशाल्लाह यार, कितनी खूबसूरत है। सो गाइस जब ये एपिसोड आया था और सभी फैमिली मेंबर्स को उनका फैमिली का वीडियो देखने मिला, तब मुझे मेरा खतरों याद आ गया था। क्योंकि जब मैं एलिमिनेट हुआ था 19th एपिसोड पे, मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर चले जाऊँ, अपनी मम्मी के पास चले जाऊँ, तो मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया था। और जब ये एपिसोड आया था बिग बॉस का, तो मुझे वो चीज़ याद आई थी यार, मैं रोते हुए मम्मी को बता रहा था, मम्मी मैं वापस घर आने वाला हूँ। बट मेरी नसीब अच्छी थी यार, मैं 21 एपिसोड पे वापस आ गया था। सो गाइस ये थे हमारे अरुण भाई द वन लाइनर किंग, और हम बढ़ते अब विक्की जैन और अंकिता लोखंडे पे। Powerful people come from powerful places. Let's go, guys. ये क्या हो रहा है? गद्दारी साइड चीक पे किसी, अरे ये क्या हो गया? When you have got trust issue. ऐसे ऐसे तिरछी मार रही अंकिता। विक्की भाई अच्छे हैं, आप अंकिता जी थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हो। डियर मैन वी डोंट सीक योर मनी टू बाय कार्स एंड बंगलोज, व्हाट वी ट्रूली डिजायर इज रिस्पेक्ट। पति क्या होता है, पैसा गाड़ी बंगला दौलत समय सब दे दिया, उसके बाद भी उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्या करोगे, सब कुछ दे दिया। विक्की भाई जब बोलते हैं ना, सामने वाले को अपने आप पे छोड़ देते हैं पूरा, उसके बाद भी उसको अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करोगे। गाइस मैं विक्की भाई को एक ही चीज बोलूंगा, विक्की भाई आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, सच में आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट आप अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दो यार, टाइम देना जरूरी है आपको अपनी वाइफ को, क्योंकि हो सकता है आप जीतते जीतते हार जाओ, भले आप ट्रॉफी उठा लो, बट लोगों के दिल में यही रहेगा कि आपने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया। वाइफ इज इंपॉर्टेंट ब्रो, इसलिए मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छे हस्बैंड से अब मेरी बात होती है अब नील से। लेट्स गो नील भाई। फाइटिंग इज टेम्पररी बट बाबू एंड बच्चा इज परमानेंट। ऐश्वर्या क्या लड़ाई करती है यार सच में।
मानना पड़ेगा यार नील भाई में बहुत पेशेंस है गाइस। इतनी फाइटिंग के दौरान भी भाई ने बाबू बच्चा अपना कंटिन्यू रखा यार। हस्बैंड मटेरियल बोले तो नील भाई, हस्बैंड ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू नील भट्ट। यार ये जब एपिसोड देखा था ना मैं सच में मेल्ट हो गया था। और भारती तो बहुत ज्यादा मेल्ट हो गई है यार, इतनी डिटेलिंग कौन दे रहा है यार। क्या बात है यार नील भाई यार, क्या बात है। अच्छा भाई ने ही सेट करके दिए है ऐश्वर्या को, ऐसा हस्बैंड कहाँ से ऑर्डर करते हैं भारती बोल रही है। सच में भारती जी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हस्बैंड ऑर्डर करने के बाद भी आ रहा है, मतलब मानना पड़ेगा यार नील भाई आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है ब्रो। गाइज मैंने ना बहुत सारे ना हेटरेट सुना है नील और ऐश्वर्या को लेके, कि यार ऐश्वर्या डिजर्व नहीं करती है नील को, ऐसे सब बहुत सारे कमेंट भी देखा है। बट गाइज मैं एक चीज बोलूंगा कि यार ऐश्वर्या में कुछ तो वो बात होगी जो नील के दिल को जीती है, तभी तो आज नील इतना पेशेंस के साथ में इतना दिल दे के बैठा है, इतना प्यार करता है उससे। सो गाइज ये थे नील और ऐश्वर्या, मजा आ गई यार, लेट्स गो गाइज। मनारा चोपड़ा, मनारा गाइज मुझे नहीं पता था कि परिणीति और प्रियंका की कजन है। चलो बढ़ते हैं अब मनारा की तरफ, देखते हैं मनारा क्या कहती है। देयर केमिस्ट्री मनारा की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, और वो बहुत अच्छा खेल रही है। और मनारा और मुनव्वर की केमिस्ट्री कहाँ जा रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है गाइज वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त से ज्यादा एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इनकी दोस्ती में कहाँ तक लेके जाती है देखते हैं गाइज आगे शो में, अभी तो पूरे 2 महीने बचे हैं बिग बॉस को। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे, वो है अभिषेक। बहुत गुस्सा आता है भाई को, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। सीरियसली फीलिंग बैड फॉर खानजादी अभिषेक डिसअपॉइंटमेंट। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने स्क्रिप्टेड लव एंगल ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, बट ये ज्यादा चलता नहीं है शो में। ये एपिसोड में अभिषेक फट चुका है पूरा, नॉमिनेट से पहले ही बोलते घर जाना है। इसमें इसने बहन भी बोल दिया था खानजादी को। देखो गाइज यही होता है, अगर आप दिल से प्यार कर रहे हो तो वो दिख के आ जाएगा, क्योंकि आपके घर पे 24 घंटा कैमरा चालू है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार खानजादी थोड़ा सा यूज कर रही है अभिषेक का शो में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभिषेक हो गया है आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यस गाइज तो अभिषेक की बात करें और ईशा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ईशा का पहला वीडियो प्ले करते हैं हम। सच में गाइस जब समर्थ की एंट्री हुई थी और जब जो हिसाब से समर्थ बोल रहा था कि हम डेट नहीं कर रहे और ईशा बोल रही थी नहीं, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ ईशा सच बोल रही है। बट थोड़े टाइम बाद सच बाहर आ गया और ईशा समर्थ के साथ निकली और अभिषेक का नंबर कट गया। मुझे बुरा लगा अभिषेक के लिए, बट ठीक है यार वो इसी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गया। बढ़ते हैं तहलका की तरफ, लेट्स गो गाइस तहलका मचा देंगे। जो भी हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, और पापा भी कुछ कहना चाहते हैं। देख बेटा देख, चो है अच्छा नहीं है यार तहलका ना, बैगन ठीक है क्योंकि बहुत अच्छी मिमिक्री करता है उसमें, अरुण की फटी सॉरी दूसरे बंदों की फटी। शुरू में मुझे तहलका नहीं पसंद था इतना, बट पापा गलती से बोल, बहुत अच्छा खेल रहा है। हमारे भाव को बोलो, मानना पड़ेगा यार इन लोग, उन लोगों का दोस्ती है ना एकदम नेक्स्ट लेवल है। बिग बॉस रोस्टेड 35 लाख रुपए के जूते तहलका, 35 लाख। लवली आपका ब्रश कितने का है? ये तो बिग बॉस ने दिया है 12-13 रुपए का ब्रश, बिग बॉस ने दिया 12-13 रुपए का होगा। बाय यार बिग बॉस के घर में हो तुम, महंगा होगा यार वो थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो 30 मार खा, वह एक रोटी क्यों चुरा यार, एक रोटी में क्या होएगा यार, मैं 2 चुराना चाहिए था। अरुण भाई पकड़े गए, अरे वाह अरुण भाई ने इतना इतनी सफाई से जो रोटी ट्रांसफर किया ना तहलका को। अच्छा बॉन्ड होता है ना तो चोरी भी बहुत अच्छे से हो जाती है, देख रहे हो आप लोग क्या सिंपल चोरी की उन लोगों ने, मालूम ही नहीं पड़ा उसको कि उसने रोटी चोरी कर लिया। ये क्या हो रहा है, ये मत कर क्या तो बाहर से कर रहा है ना ये पैर है मेरा पैर, वो उसको क्लियर करने के लिए अपना पूरा पैर भी दिखाएगा। अरुण भाई यार आप बिग बॉस के घर में हो 24 घंटा कैमरा चालू ऐसा नहीं करते भाई, कसम से। बट गाइस उसके पैर पे हो। अब हम बढ़ते हैं सना लॉयर की तरफ। सना जी कैसे हो आप, सना की चालाकी सच में गाइस, सना इधर में बहुत चालाकी दिखाई अपनी। चलो भाई मजा आया यार, मौका आ कुलिए झूठ बोलती है, देखो सना सो रही थी, होशियार है
साबित कर दिया बिग बॉस को भी, और ऊपर से उन्हें उठी उठ के ऐसा ऐसा घूम रही ना, तो थोड़ा आदमी को टाइम लगता आने को, जिससे कि बंदा आया और देखे तो बैठी मिले। हाँ, वो बैठी मिले और हम दोनों फुकट में घर से देख रहा मानना पड़ेगा। ये दोनों ने ना पूरा दिमाग छोड़ के रखे अपना पूरा गेम में। पेड़ा बन के पेड़ा खिलाएगी, मतलब ये दोनों की जो पर्सनालिटी है ना गाइस, आप समझ रहे हो, इन लोग दोनों भी बहुत स्ट्रांग है और आगे चल के इन लोग और खुलने वाले। बट मजा आ गया यार, बहुत मजा आया। और गाइस प्लीज आप मुझे बताना कि मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो क्या होगा, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों की हेल्प लगेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो गाइस प्लीज वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, कॉमेंट करना और अपना अपना ओपिनियन शेयर करना कि आप लोगों को क्या लगता है। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पे। टिल देन लव यू ऑल गाइस। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और गाइस धूम मचा देना। लव यू ऑल।